मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्ड्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो अपना हर डिपार्टमेंट में, जैसे रिम फ्रेम में हो, सिंप्लेक्स हो, ड्रॉपिंग हो, कुंभर में हो, उमेगा लैब, हर जगह अपना जो कार्ड्स लगता है, रबड़ वाला रोल लगता है, और उसका लाइफ का और उसका हार्डनेस का और उसका मतलब साइज वगैरह, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, क्या साइज तक आप चला सकते हैं, उसका लाइफ क्या है, सारी डिटेल के बारे में आज बात करेंगे। इसको कार्ड्स मैनेजमेंट बोलते हैं। जिस मिल में कार्ड्स मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, उस मिल में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, मतलब खर्चा कम रहेगा। और कार्ड्स के बारे में इतना बता दूँ, जैसे अपन मतलब रोड पे गाड़ी चलाते, कभी लोहे का पहिया तो नहीं लगाते, उस पर रबड़ का मतलब टायर लगाते हैं, ऐसे ये समझ लो टायर जैसा काम करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और विदाउट कार्ड्स आपकी वर्किंग कभी सही नहीं रहेगा, आईपीआई बराबर नहीं आएगा, ड्राफ्टिंग नहीं होगा, धागा नहीं बन पाएगा, मतलब कार्ड्स का इतना इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए आपको देखो ऑब्जेक्टिव पहले देखिए, अपन ये सब चीज में बात करेंगे। देखो स्टैंडर्ड साइजेस और बॉपिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा कार्ड्स कितना दिन में बॉपिंग होगा, और कार्ड्स लाइफ कितना दिन कौन सा कार्ड्स चल सकता है, मतलब माउंटिंग के बाद निकाल के फेंकने तक कितना दिन अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस मतलब उसका सॉफ्टनेस, मतलब कितना वो कड़क है, कितना नरम है, उसका क्या उसका मेजरमेंट है, और किस में क्या चीज जरूरत है वो देखने के लिए। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स टू गेट ए कंसिस्टेंसी क्वालिटी। ये कार्ड्स अपन मेंटेन इसीलिए करेंगे, अपन जो क्वालिटी है कंटिन्यूअसली सही रहे, ऐसा नहीं कि बीच में खराब हो गया, फिर अच्छा हो गया, फिर खराब हो गया, उस पर होने से क्या क्वालिटी में कुछ कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, और कोई भी पार्टी धागा खरीदने के लिए राजी नहीं रहेगा। अगर धागा खरीदने राजी नहीं रहेगा, आपकी मार्केट डाउन हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट घर पे ही पड़ा रहेगा, तो आपके पैसा का रोटेशन भी खराब हो जाएगा, सब प्रकार की दिक्कत आएगा अगर क्वालिटी का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं चाहे प्रोडक्शन कम हो लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन रहे, क्वालिटी में कंप्रोमाइज कभी नहीं करना। उसके बाद देखो टू प्रोवाइड ए स्मूथ वर्किंग, वही जो गाड़ी और टायर के बारे में बता रहा था, ये कार्ड्स नहीं रहेगा बराबर, आपकी स्मूथ वर्किंग नहीं रहेगा, स्मूथ वर्किंग नहीं रहेगा तो आपको क्वालिटी का प्रॉब्लम रहेगा। टू गेट ए मिनिमम पोस्टर वैल्यू इन ऑल डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट मतलब ये है रिम फ्रेम, सिंपले, ड्रॉप फ्रेम, कुंभर, ओमेगा लैब, हर लैब, हर जगह जहां जहां अपन कार्ड्स लगा रहता है उसका बढ़िया पोस्टर कैसे लाएगा, तो कार्ड्स कंडीशन जब आपकी बढ़िया रहेगा, कार्ड्स कंडीशन मतलब इन द सेंस कार्ड्स पे कटा हुआ नहीं रहे, दबा हुआ नहीं रहे, और उसमें साइज में छोटा बड़ा ना रहे, ये सब चीज का ध्यान देना पड़ता है उस्टर वैल्यू काम करने के लिए। अवॉइड पीक प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस, ये पीक वाला जो मामला है वो आपको एक बार मैंने वीडियो बनाया था, सीरीज वीडियो है पीक एनालिसिस, 3-4 वीडियो है, इसको देखिएगा आपको मालूम पड़ेगा कट्स के कारण भी पीक आता है और क्या क्या कारण से पीक आता है। कार्ड्स है मेजर प्रॉब्लम रहता है कार्ड्स में, उसको ध्यान रखिएगा, पीक नहीं आएगा कार्ड्स अगर आपके बराबर रहेगा। टू गेट ए मैक्सिमम लाइफ ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का लाइफ मैक्सिमम लेनी है, कैसे लेनी है उसका मतलब क्या क्या तरीका है आपको उसके लिए बताया है। बफिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत जल्दी जल्दी बफिंग करोगे, जोड़ा ज्यादा काटोगे तो लाइफ कम आएगा, जोड़ा इंटरचेंज नहीं करोगे ड्रॉपिंग में तो लाइफ खराब आएगा, मतलब अनस्किल्ड कारीगर लगा दोगे फिर भी काट कुट के इसको बराबर कर देंगे, कम लाइफ आएगा। वो कार्ड्स लाइफ भी अपन को मैक्सिमम लेनी है, अगर कार्ड्स मैनेजमेंट बराबर रखोगे कार्ड्स लाइफ ज्यादा आएगा। टू अवॉइड बैड प्रैक्टिसेस फॉर ए लॉन्गर लाइफ लाइफ ऑफ कार्ड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बैड प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस क्या होता है, जैसे कटर प्लांट में चाकू चलाना और वो चाकू का जो पॉइंट है वो बराबर नहीं रखना, पॉइंट पूरा शार्प करके रखना, और अनस्किल्ड आदमी को चाकू पकड़ा देना, सिंथेटिक भी मिल भी हो अनस्किल्ड आदमी को चाकू पकड़ा दो कि वो जोड़ा ऐसे सीधा काट के पूरा खराब कर देगा, और जोड़ा का
चार्ज लेना, जोड़ा कटे नहीं, ये सब चीज का ध्यान रखोगे तब बैक प्रैक्टिस अगर कम रहेगा तब जाके उसका लाइफ बढ़ेगा। टू प्रोवाइड करेक्ट एसएच कार्ड्स फॉर बेटर क्वालिटी लाइफ। एसएच मतलब सोर हार्डनेस, इसको बोलते हैं सोर हार्डनेस। सोर हार्डनेस मतलब कार्ड्स कितना नरम है या कड़क है, उसका जो करेक्ट सोर हार्डनेस मतलब आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो आपकी जैसे कटर में 65 डिग्री का आगे और 83 डिग्री का पीछे, ये फ्रंट ये बैक, ध्यान रखो कटर का। ऐसे ही विस्कस का 70 डिग्री आगे 83 डिग्री पीछे, ठीक है। और पीबी में 83 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, और पॉलिस्टर 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, ये है हार्डनेस। जितना डिग्री ज्यादा रहेगा उतना कड़क है, मतलब 65 डिग्री जो है सबसे नरम कट से, कटर में बिल्कुल नरम कट चाहिए, सॉफ्ट कट चाहिए ताकि उसका आईपीआई वगैरह बराबर आए, ड्राफ्टिंग बराबर रहे। अगर ये 65 डिग्री सोर हार्डनेस आप पॉलिस्टर में चला लोगी आपकी क्वालिटी का सत्यानाश हो जाएगा, वो लैपिंग हो जाएगा, पूरा वर्किंग नहीं देगा और आईपीआई तो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो कार्ड्स का जो सोर हार्डनेस का जो आपको बता, ये सब ध्यान रखना, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो टू फॉलो कार्ड्स इंटरचेंज शेड्यूल फॉर ड्रॉप फ्रेम्स। एक मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया था कार्ड्स इंटरचेंज करना दो दो घंटे में ड्राइंग में या ब्रेकर ड्राइंग में फिनिशर ड्राइंग में। उसमें क्या होता है कार्ड्स का लाइफ बढ़िया हो जाता है, बढ़िया इन द सेंस हो जाता है कार्ड्स गर्म नहीं होता और बार बार अपन दो दो घंटे में आगे पीछे करेंगे तो हीट नहीं होगा, तो एंड कुछ गर्म नहीं होगा, कार्ड्स भी कभी फट जाता है गर्म होकर, वो भी बीमारी नहीं आएगा। तो कार्ड्स इंटरचेंज का शेड्यूल जरूर फॉलो करें, वो वीडियो जरूर देखे आप। मेंटेन रजिस्टर फॉर कार्ड साइज एंड लाइफ ऑफ कार्ड्स। जो बफिंग फिटर रहता है बफिंग फोरमैन जो भी है कार्ड्स जैसे जैसे नया डालेगा तो डेट वगैरह जरूर लिख के रखे और रोज मतलब इसको चेक करें, ड्रॉप फ्रेम का कार्ड्स वगैरह साइज चेक करें। ऐसा नहीं कि देखो ड्रॉप फ्रेम में समझ लो एक आपके 3 रोलर लगता है, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो समझ लो ड्रॉप फ्रेम में आपके 1 2 3 3 ड्रॉप रोल लगा हुआ, एक समझ लो आपकी 40 mm का है और एक 37 है एक 35 है, इस तरह अगर रहेगा कम ज्यादा तो आपकी ये बिल्कुल खराब आएगा, उष्ट्र आएगा नहीं कभी। तो इसीलिए अगर आपके 37 mm का है तो पीछे भी 37 का डालो आगे भी 37 का डालो, तब जाके इसका ड्रफ्टिंग रोल में जब प्रेशर डालोगे तो बराबर बैठेगा। और अगर मोटा पतला जोड़ा आपने डाल दिया ड्राइंग में हो सिंपलेस मोरिंग में कहीं पे भी, ज्यादा मोटा पतला ज्यादा फर्क रहेगा तो उसमें लंग थिक आएगा। और कोशिश करें पॉइंट मतलब 2 mm का इधर उधर हो, मतलब जैसे 37 है 37.2 रहेगा चलेगा या 36.8 रहेगा चलेगा, 2.2 mm का फर्क रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम से ज्यादा फर्क नहीं करना, फर्क करेंगे तो आपके धागे में मोटा पतला आएगा। नेक्स्ट देखिए ये कार्ड्स का जो मैं साइज वगैरह दे रहा हूँ ये रिलेटेड टू बटम रोल डाया। बटम रोल डाया समझ लो 27 mm है तो उस हिसाब से क्या कार्ड साइज रहेगा उसी हिसाब से दिया सिंपलेस रोल इसका रिम फ्रेम का। अगर आपके मिल में सिंथेटिक चलता है तो कभी कभी बटन रोल लाया 30 mm रहता है या 32 mm रहता है तो कार्ड साइज डिफर कर जाएगा। और ये सोच कर चलिए कार्ड साइज हमेशा बटन रोल लाया से ऊपर होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और वो कटर में अपना क्या फाइबर लेंथ कम रहता है इसलिए बटन रोल डाया कम होने से भी चल जाएगा, टॉप रोल की डाया कम होने चल जाएगा। जब इनकेस अपन सिंथेटिक चलाते 38 mm 44 mm 51 mm 64 mm तक चलाते हैं उस केस में अपन को कट साइज बड़ा वाला चाहिए, तो वो सब अलग रहता है, हार्डनेस भी अलग हो जाएगा कट साइज भी अलग हो जाएगा। कार्ड्स का बारे में बताता हूँ, देखो ये कार्ड्स है तो इसका जो
ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है इसको नाप लोगे तो डाया हो जाएगा, और इनसाइड का जो मेजरमेंट है, इनसाइड डाया जो इनर साइड डाया वो होता है आईडी, और ये जोड़ा की इस तरफ से उस तरफ तक जो होता है लेंथ, ये ध्यान रखो इस चीज का। और देखिए जिन फिल्म का इधर समझा गया, आईडी मतलब इनर डाया, डाया हो गया आउटसाइड डाया, और लेंथ हो गया कर्ड्स लेंथ, कर्ड्स कितना चौड़ा है। रिम फिल्म का देखिए न्यू कर्ड साइज, मतलब जब अपन कर्ड्स खरीदते हैं उस टाइम जो साइज रहता है उसके बारे में बताता हूँ। आईडी रहता है 19 mm, आईडी मतलब हो गया इनर डाया 19 mm है, और डाया मतलब आउटसाइड डाया 30 mm है, और लेंथ हो गया 28 mm। यह अपन 27 mm रोल के हिसाब से मैंने लिया, 27 mm बॉटम रोल, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने लिया। तो उसके बाद देखो मैक्सिमम साइज इन डाया, डाया उस केस में सबसे बड़ा कितना 30 mm का, 30 mm का फुल साइज का डाया आता है, और मिनिमम साइज 28.5 mm, मतलब अपन 2 mm खपत करने तक इसको चला सकते। वैसे कहने के लिए तो 28 mm है, कभी कभी 27.5 तक भी लोग खींच लेते हैं, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकली सही नहीं है। एक्सपोर्ट क्वालिटी मिल में मतलब जैसे 28 mm हो जाता है तुरंत निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि क्वालिटी का उसके बाद कोई गारंटी नहीं रहता, फिर खराब होने लगता है इसीलिए। और कटर की केस देखो, सोर हार्डनेस जो आगे वाला 65 degree सोर हार्डनेस रहेगा, सबसे कम मतलब सॉफ्ट वाला कट्स रहेगा, कभी कभी तो 65 जाएगा, 60 का भी आ गया, 60 degree सोर हार्डनेस भी आ गया, मतलब सुपर कोम मटेरियल के लिए वो सब यूज करते हैं, 60 degree पर सुपर कोम मटेरियल के लिए यूज करते हैं, मतलब बेटर आईपीआई के लिए। उसके बाद देखो बैक साइड में 83 degree सोर हार्डनेस, बैक साइड में हमेशा हार्डनेस अपन ज्यादा रहेगा, चल जाएगा। उसके बाद देखो कट फॉर एवरी बफिंग, जब अपना जोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है 3-4 महीना चला लेते हैं, उसके बाद हल्का सा बफिंग करना पड़ता है, बफिंग मतलब जोड़ा पलिश बोलते हैं, पलिश करते हैं तो उसमें 0.2 mm कटिंग मारते हैं, मतलब जैसे 30 mm का कट्स है तो इसमें हो जाएगा कितना 29.8 mm हो जाएगा, 0.2 mm का कट मारते हैं। तो ये ऐसे ही मार मार के चलेंगे तो 0.22 mm अगर कटिंग करेंगे, और 30-28 2 mm का अपना यूज कर सकते हैं, 2 में 0.2 डिवाइड के 10 बार बफिंग कर सकते हैं, 0.2 mm काटेंगे तो 10 बार बफिंग करेंगे। अगर 3 महीने का आपकी बफिंग टाइम पकड़ते हो और फ्रीक्वेंसी जो बफिंग का टाइम है, आज हुआ तो 3 महीने के बाद होगा, फिर अगला 3 महीने के बाद होगा, तो 10 × 3 हो गया 30 month हो गया, 30 month को साल पर कर दोगे तो 2.5 साल का लाइफ हो गया। ये मेरा एक वीडियो है कर्ड्स लाइफ के बारे में, उसको आप देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद देखो बफिंग फ्रीक्वेंसी 3 to 4 month, ये 3 to 4 month क्यों लिखे, देखो समझो आपके बिल्कुल सुपर कोम्ड मटेरियल चल रहा है या बहुत फाइन काउंट चल रहा है तो आप आराम से 4 महीने तक खींच सकते हो। आपके कोर्स कम चल रहा है, मीडियम कम चलता है, जोड़ा जल्दी खराब होता है तो आपके 3 महीने में कर लेना, तो इसीलिए मैंने 3 से 4 महीने लिखा हुआ। उसके बाद देखो सिंपलेस का भी न्यू कट साइज कितना हो गया, आईडी हो गया 19, लेंथ डाया हो गया 28 mm, लेंथ देखो यहाँ थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिंपलेस का जो एक मशीन में 120 spindle 144 spindle रहता है, रिम फिल्म में 1000 spindle रहता है, तो इसमें डाया तो थोड़ा कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाता है। और उसके बाद देखो मैक्सिमम साइज कितना हो गया 28 mm, और हार्डनेस कितना 83 degree सोर हार्डनेस फ्रंट और बैक दोनों, बैक और फ्रंट में सेम रहेगा, और मिनिमम साइज कितना हो गया 26 mm। ऐसे ही इधर जैसे 30 से 28 होता है, इधर 28 से 26 हो गया, ठीक है। उसके बाद बफिंग फ्रीक्वेंसी देखो, इधर 3 महीना पकड़ा हुआ, 3 महीना के हिसाब से पकड़ोगे वही 2.5 साल का लाइफ आ जाएगा। और एवरी बफिंग कट कितना 0.2 mm, जैसे रिंग में था ऐसे भी इसमें है। तो ये अपने रिंग हो सिंपलेस का हो गया। और एक बहुत बढ़िया चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हो
कभी कभी कोई मतलब मैसेज कर देता है कि ये मेरा नंबर है, आप ले लीजिए और आपका नंबर मेरे को दे दीजिए। अरे ये क्या बात हुई, मतलब नंबर अगर आप लोग ऐसे देते रहोगे तो कोई भी अनजान आदमी आपको फोन कर देगा मेरा नाम से, कोई साउथ ईस्टर्न अकेडमी से बोल रहा हो। बिल्कुल आप नंबर मत दीजिए, नंबर की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन है आप आराम से यूट्यूब में या इंस्टाग्राम के माध्यम से हमको मैसेज कीजिए, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार है। कभी हम इसके बारे में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। और कृपा करके आप अपना नंबर मत दीजिए मेरे को, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि सबका नंबर कलेक्ट करूं, इसको फिर फोन पे बात करूं या मैसेज करूं, ऐसे नहीं हो सकता। नंबर नहीं देना प्लीज। उसके बाद देखिए ये सिंपलेस और रिंग का हो गया। उसके बाद अपन आएंगे ड्राइंग और कुंभर में। नेक्स्ट देखिए अपन आरएसपी ड्रॉप फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। आरएसपी नया जोड़ा लगता है 26 mm का आईडी और डाया 38 mm, लेंथ 150 mm का है और हार्डनेस होता है 83 degrees और हार्डनेस का, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बफिंग हो गया 1 महीना और एक बफिंग में 0.2 mm काटते हैं, और मैक्सिमम डाया हो गया 38 mm, मिनिमम 36, लाइफ हो गया 10 महीना। 10 महीने में अपन को कट्स चेंज करना पड़ता है। और आप ये सोच लो अपन 83 degrees और हार्डनेस अगर लगाते हैं आरएसपी में, उसके अलावा अगर आपके अगर सुपर कॉम्ब का मार्ग चल रहा है मतलब 22% 23% नॉयल निकाल, तो ऐसे केस में आप ये जो 83 डिग्री लिखा हुआ है इसमें 65 डिग्री की सोर हार्डनेस का आता है, वो स्पेशली लगा सकते हो। लेकिन वो सुपर कॉम्ब का माल हट जाने के बाद वो जोड़ा जरूर चेंज कर लेना, वो रखेंगे फिर क्वालिटी खराब होगा। और 65 डिग्री सोर हार्डनेस रखोगे समझ आपकी आरएसपी में उस्टर 2.2 आ रहा है, एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ 2.2 आ रहा है, तो 65 डिग्री लगाओगे तो 1.8 तक आ जाएगा उस्टर आ जाएगा, इतना कम आ जाएगा। तो ध्यान रखो सुपर पंप चलाते हो तो 65 डिग्री सोर हार्डनेस का जोड़ा मिलता है वो आप लगा सकते हो। और ऐसे ही ब्रेकर ड्रॉप में न्यू कार्ड्स देखो 26 mm आईडी 38 mm और इसमें लेंथ का फर्क है। ब्रेकर में खाली 150 mm का जो फिनिशर में लेंथ था, ब्रेकर का जोड़ा और थोड़ा बड़ा रखा है 10 mm, और वो सोर हार्डनेस 83 डिग्री सोर हार्डनेस रखना, और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं 65 डिग्री लगाने का, क्योंकि ब्रेकर जो होता है कार्डिंग का माल होता है उसमें 83 डिग्री का नीचे नहीं जाना। फ्रीक्वेंसी ऑफ बफिंग वही 1 महीना, फिनिशर और ब्रेकर एक ही साथ बफिंग होता है तो 1 महीना रहेगा, और कितना कट मारोगे ना 0.2 mm कट मारोगे, और ये 10 महीने का ये भी लाइफ रहता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखो ये जितना मैंने कट्स के बारे में बताया वो कटन का है। अगर सिंथेटिक रहेगा, सिंथेटिक में जो अपना का जैसे कटन में रिंग फ्रेम में 3 महीना और सिंपलेस में 3 महीना और ड्रॉप फ्रेम में महीना महीना, ड्रॉप फ्रेम में महीना की जगह 15-20 दिन हो जाएगा सिंथेटिक प्रोसेस में, और इन फ्रेम में काउंट का हिसाब से चक्कू चलने के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 20 दिन में बफिंग करना पड़ता है, कभी महीना में बफिंग करना पड़ता है, 3 महीना 4 महीना का तो भूल जाना। सिंथेटिक में इतना लेट में बफिंग करेगा क्वालिटी पूरा खराब हो जाएगा, जोड़ा बहुत कट जाएगा, वो दिक्कत जाता है। तो ये जोड़ा बफिंग के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखो, कभी कभी सिंपलेस वगैरह में जोड़ा दबा हुआ रहता है, रिंग फ्रेम में जोड़ा दबा हुआ रहता है, मतलब प्रेस हो जाता है ना, वो पिट कट बोलते हैं उसे, खड्डा ऐसा रहता है जोड़े में, ऐसे वाला जोड़ा आप निकाल के बिल्कुल चेंज कर देना, नहीं तो वो जोड़ा अगर रहेगा तो आपकी क्वालिटी पूरा खराब आएगा, आप कभी समझ नहीं पाओगे मतलब क्वालिटी कहाँ डैमेज जाता है। और कभी कभी सिंपलेस में चालू के टाइम में ऐसे उंगली दबा दबा के चलनेगा जोड़ा के ऊपर, फ्रंट जोड़ा के ऊपर आपको पिट कट मालूम पड़ जाएगा, वो जोड़ा जरूर चेंज कर देना। और जोड़ा के बारे में कार्ड्स मैनेजमेंट के बारे में आज का इतना मैं वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।